गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 15, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। इसे लिखा है महादेवी जी वर्मा ने और यह एक रेखा चित्र है। हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उनके घर में कई तरह के पशु पक्षी रहा करते थे, उनमें से नीलकंठ नाम का एक मोर और राधा नाम की मोरनी भी थे। इस रेखा चित्र में महादेवी जी ने बताया है कि किस तरह से वे मोर और मोरनी को घर लेकर आई थी और किस तरह से बाकी जानवरों के साथ उनका परिचय हुआ, उसके बाद बच्चे से छोटे बच्चों से उनका किस तरह से विकास हुआ और वे बड़े मोर मोरनी बने। एक बार उनके जाली का जो घर था उसमें सांप के घुस आने से और एक खरगोश के बच्चे को अपना आहार बना लेने से किस तरह से नीलकंठ जो कि मोर है उसने उसकी रक्षा की और सांप को ख़त्म कर दिया। अब पढ़ेंगे इसके आगे। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। लेखिका बताती है कि नीलकंठ जब व्यस्क मोर बन गया, बड़ा मोर हो गया और उसके पंख जो थे पूंछ लंबी हो गई और उस बहुत ही सुंदर दिखने लगी, तो उसे फैलाकर वह नृत्य करता था और उसका जो नृत्य था ऐसे लगता था जैसे वो कोई प्रशिक्षित नृत्यक है और उसके नृत्य करने से एक तरह की ताल लय का समावेश उसमें लगता था। वह अपनी पूंछ के जो पूंछ है उसे उठाकर, पंखों को उठाकर मंडलाकार बनाकर, उसको गोल बनाकर फिर नृत्य करता था। तो उसे पता नहीं कैसे ये पता पड़ा कि लेखिका को उसका डांस या नृत्य करना बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए एक दिन जब लेखिका उनकी जो जाली का घर था जिसमें सारे पशु पक्षी रहते थे उसके पास पहुंची, तो वह अपने झूले पर से नीचे उतर आया और अपने पंखों को फैलाकर मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यानी नृत्य करने की जब तैयारी होती है, बिल्कुल स्टार्ट ही करना होता है, शुरू करना होता है नृत्य, तो वह जो पोजीशन होती है, पोज होता है, उसे नृत्य की भंगिमा कहते हैं। तो उसमें वह नीलकंठ खड़ा हो गया। आगे, तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकुली पैनी चौंत से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। लेखिका नीलकंठ के बारे में आगे बताते हुए कह रही है कि जो उसकी नृत्य की भंगिमा थी, मुझे देखते ही खड़े हो जाना, अपने पंखों को फैलाकर, वैसा अब उसका रोज का काम बन गया, नित्य का क्रम बन गया। और कई बार, अक्सर, प्राय का मतलब होता है अक्सर, लेखिका के साथ कोई ना कोई देशी या विदेशी अतिथि जो उनसे मिलने आते थे वो भी उनके साथ होते। तो जब नीलकंठ को उस अवस्था में देखते, पंखों को उठाए हुए, तो उन्हें लगता कि वह उनका सम्मान कर रहा है और यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता, आश्चर्य से अभिभूत हो जाते हुए, विस्मय यानी कि आश्चर्य, अभिभूत होना यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना। तो सम्मानपूर्वक अपने प्रति सम्मान समझकर बहुत ही विस्मय से खुश हो उठते, प्रसन्न हो जाते थे जो अतिथि लेखिका के साथ आते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। कि जेंटलमैन उसे कहा जाता है जो महिलाओं का सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे, उनके आने पर सम्मान देते हुए खड़े हो जाए, अपने पंखों को फैलाकर। एक तरह से जो नीलकंठ था वह भी सम्मान देता था, इसीलिए जो विदेशी महिलाएं थीं उन्होंने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली। और जिस नुकीली पैनी चौंत से, तीखी चौंत से
वह भयंकर विषधर कहते हैं सांप को, जो विष को धारण करता है, तो उसको भी खंड खंड यानी कि टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वह नीलकंठ अपनी उसी चोंच से लेखिका की हथेली पर भुने यानी सिके हुए जो चने होते हैं उन्हें धीरे धीरे से हौले हौले यानी धीरे धीरे से उठाकर खाता था, तो उसे देखकर उन्हें बहुत हंसी आती थी और आश्चर्य भी होता था। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी जिन पर पुष्प खिले हो या पल्लवित हो पत्ते हो उन पे, वैसे वृक्ष नीलकंठ को ज़्यादा अच्छे लगते थे। आगे वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो उसकी प्रकृति के बारे में, नीलकंठ के स्वभाव के बारे में लेखिका बताते हुए कहती है कि जब वसंत ऋतु होती थी हर ओर नए पत्ते आते थे पेड़ों के, और जो आम है उसकी मंजरियाँ यानी कि उसके जो पुष्प है वे आते थे। उस समय नीलकंठ को जाली वाले घर में रखना बहुत ही मुश्किल होता था और वह इतना अस्थिर हो उठता, मतलब कि वह इतना बेचैन हो जाता था कि उसे उस जाली घर में नहीं छोड़ सकते थे, उसे बाहर खुले में छोड़ना होता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। तो लेखिका कहती है कि जब नील, और वैसे भी मोरनी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो ऋतु होती है, मौसम होता है, वह बारिश का यानी वर्षा ऋतु होती है। तो इसी तरह से नीलकंठ और राधा की भी प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। तो मेघों के आने की आहट जो है वो हवा में उसकी सजल आहट यानी स का मतलब साथ में जल यानी कि पानी, तो हवा में जो उनकी उपस्थिति होती थी पानी की जो बरसने से पहले होती है वो उसे पहले से पा लेते थे, पहले से उसकी आहट पा लेते थे, पहले से उन्हें पता पड़ जाता था कि बारिश होने वाली है, बादल आने वाले हैं। तो उनकी जो पुकार होती है, जो उनकी आवाज़ होती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो बादलों को पुकार रहे हो, और अपने धीरे धीरे उनकी जो गूंज है वो बढ़ती जाती, उससे ऐसे लगता कि बूंदों के उतरने के लिए वे सोपान यानी कि सीढ़ियों की पंक्ति तैयार कर रहे हैं। तो उनकी मंद केका यानी कि जो आवाज़ पहले धीरे स्टार्ट होती थी, धीरे शुरू होती थी, और उसके बाद उसकी गूंज अनुगूंज यानी कि उसकी गूंज की एवज में वापस से प्रतिगूंज अनुगूंज कहलाती है। तो एक के बाद एक जो वो आवाज़ लगाते थे वह बढ़ने लगती थी, धीरे धीरे से स्टार्ट हुई भी तेज होती जाती थी। आगे मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। तो जैसे जैसे बादलों की गर्जना बढ़ती जाती, बादल गरजते हुए बरसने लगते, तो उसके तन्मय कहते हैं एकाग्र होकर जो उसका नृत्य करना है वो आरंभ होता, शुरू होता, और फिर जैसे जैसे बादल की गर्जना बढ़ती, बिजलियाँ तेज से तेज चमकने लगती और बारिश तेज तेज बरसने लगती, नीलकंठ का नृत्य भी उसी वेग से बढ़ता जाता, लेकिन साथ ही उसकी जो केका है, उसकी जो आवाज़ है वो धीरे से धीरे तर होती जाती, धीरे और फिर धीरे धीरे होती जाती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, अपने पंजों पर अपने पंख रखकर सुखाता था, और कभी कभी वे दोनों मतलब नीलकंठ और राधा एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चौंत से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते, एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को पी कर सुखाते अपने पंखों को। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है, यानी कि ये जो मिलकर ये नृत्य करते थे वह कैसे ख़त्म हुआ, यानी आनंद उत्सव जो होता था इसकी रागनी यानी कि ये गीत जो है वह बेमेल स्वर यानी एक अच्छा खासा गीत गाया जा रहा हो और उसमें किसी का बेमेल सा यानी उसके मेल न करने वाला स्वर उठे तो वह अलग सा लगता है। इसी प्रकार जो आनंद उत्सव चल रहा था
वह कैसे खराब हुआ तो इसकी भी एक करुण कथा है, और वह क्या है ये पढ़ेंगे आगे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोड़नी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोड़नी राधा के समान ही थी। तो एक बार की बात बता रही कि कैसे राधा और नीलकंठ का जो आनंद उत्सव था वह कैसे ख़त्म हुआ, उसकी घटना के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है कि एक बार मुझे नखास कोने से निकलना पड़ा, यानी कि वह स्थान जहाँ पर बड़े मियाँ की दुकान थी, तो वहाँ से निकलना पड़ा और पहले की ही तरह उन्होंने लेखिका की कार का रास्ता रोक लिया और सामने आकर खड़े हो गए। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, ऐसा संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। तो लेखिका ये संकल्प किया था कि अब मैं कोई भी पिंजरा नहीं देखूंगी, कोई भी पशु या पक्षी नहीं खरीदूंगी, और ऐसा सोचकर उन्होंने बड़े मियाँ जो थे उनकी विरल का मतलब होता है हल्की या कम घनी, तो विरल दाढ़ी जो थी उनकी कम घनी जो दाढ़ी थी उसकी और जो सफ़ेद धागे से ऐनक बंधी हुई थी जो उनके कान पर लगाने की ऐनक है वह बंधी हुई थी सफ़ेद डोरे से, सिर्फ उसी को देखने का ध्यान का केंद्र बनाया, यानी उसी पर ध्यान दे रही थी लेखिका। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोड़नी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था, लेकिन फिर भी उनकी नज़र जो बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोड़नी थी उस पर चली गई। मोड़नी राधा के समान ही थी और मोड़नी बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे राधा थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। तो जो मोड़नी बड़े मियाँ के पैरों के पास पड़ी थी उसके जो पैर थे वे मूंछ यानी कि एक प्रकार का रेशा होता है उससे बनी हुई रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन उसकी जो उंगलियाँ थीं वे टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। किसी ने उसके नाखून तोड़ लिए थे जिससे उसकी उंगलियां भी टूट गई। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोड़नी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। लेखिका कहती है कि जब मैं वहाँ रुकी फिर दुकान पर, तो उस मोड़नी को देखा जिसके पंजे मून से बंधे थे और उंगलियां उसके टूटकर इकट्ठी हो गई थी। तो बड़े मियाँ फिर से बिना रुके बोलने लगे कि देखिए गुरुजी, ये चिड़ी मार ने बेचारी मोड़नी का क्या हाल किया है, इस तरह भी ऐसे भी कोई चिड़िया पकड़ता है कि उसे अधमरी कर दिया। अगर आप नहीं आए होते तो ये जो मोर है मोड़नी है इसे मैं उसी के सिर पर पटक देता, यानी कि उसको बहुत खरी खोटी सुनाता, पर अब आपसे भी इस अधमरी मोड़नी को ले जाने के लिए कैसे कहूँ। अगर ये स्वस्थ होती तो फिर भी मैं कह सकता था, लेकिन अभी ये अधमरी सी है तो इसे ले जाने के लिए भी मैं शर्म के मारे नहीं कह सकता। आगे सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियाँ वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तो सारांश यह है, यानी कि आखिर में तय यह हुआ कि 7 रुपये देकर मोड़नी लेखिका ने खरीद ली और उसे अपनी कार में आगे की सीट पर रखवा कर घर ले आई, और उनका जो पढ़ने लिखने का कमरा था वह फिर से एक बार अस्पताल बन गया, यानी कि उसके रख रखाव का कमरा बन गया। महीने भर तक उसकी अच्छी सेवा करने के बाद वह इतनी ठीक हो गई जो नई मोड़नी थी वह, कि वह डगमगाते हुए अपने पंजों को, जो क्योंकि उंगलियां टूट गई थी तो पंजे केवल ठूंठ जैसे रह गए थे, उन पर वह डगमगाते हुए चलने लगी थी। और जब वह ठीक हो गई काफ़ी हद तक, तो उसे बाकी पशु पक्षियों के साथ में जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा यानी कि कुबड़ी जिसे बोला जाता है, जिसकी शरीर में कोई दोष हो
तो इसी प्रकार वह स्वभाव से भी दोष वाली ही थी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, यानी कुब्जा के आने से पहले नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, लेकिन जब कुब्जा आ गई उसके बाद से कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चौंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। जब नई मोरनी को, जिसका नाम कुब्जा रखा गया था, चिड़ियाघर में पहुंचाया गया, जाली गाले घर में, तो वहां जब नीलकंठ और राधा को साथ देखती वह, तो राधा को मारने दौड़ती और उसने चोंच मार मार कर उसकी कलगी भी नोच दी, उसके पंख भी नोच डाले। और इससे भी कठिनाई यह थी, बड़ी बात यह थी कि जो नीलकंठ था वह कुब्जा से दूर भागता था, लेकिन जो कुब्जा थी वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने दो अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। लेखिका कहती है कि जो कुब्जा थी वह स्वभाव से भी वैसी ही थी, तो उसकी किसी भी जीव जंतु से कोई मित्रता नहीं थी, और राधा से भी वह परेशान करती थी, राधा को भी, उससे भी चिढ़ती थी, तो उसको भी मार मार कर पंख नोच दिए उसके। लेकिन वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, पर नीलकंठ उससे दूर रहता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे किसी और से उसकी मित्रता नहीं थी, और कोई और भी नीलकंठ के पास आए तो वह उसे आने नहीं देती थी। और इसी बीच राधा ने दो अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। इसका पता जब कुब्जा को चला तो उसने चोंच से उन अंडों को फोड़ दिया और अपने पैरों से उनको फैला दिया, ठूंठ जैसे जो पैर थे उससे उनको फैला दिया। और इससे ये लड़ाई झगड़े से, राधा के दूर रहने से भी नीलकंठ जो हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, उसकी प्रसन्नता का अंत हो गया।